आज नगरपालिका चुनाव बिलाड़ी में यहाँ पर वोटिंग हो रही है और उससे हम काफ़ी दूर यहाँ आ गए। गल्ला स्टोर एक ये मोहल्ला है तो शहीद आजम पार्क बिलाड़ी, वहाँ पर हम जो आम जनता की राय उससे जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या मत है, क्या रुझान है। और हमारे बीच में काफ़ी लोग यहाँ हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम कलीम मोदी है। मैं पीस पार्टी के हाथ में आज वोट डाल करके आया हूँ और पीस पार्टी बिलाड़ी के अंदर इतने मजबूती से चुनाव लड़ रही है कि कोई टक्कर पर ही नहीं है। आज एक हमारे बाहर के प्रत्याशी आए हुए हैं जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उनके दिल में हमारी पार्टी की तरफ से इतना डर बैठा हुआ है कि उन्होंने हमें परसों पहले दिन चुनाव कार्य करने गए थे, हम लोग प्रचार करने गए थे, हमारी पूरी टीम को रोका और उनके लड़कों ने हमें धमकाया भी। उन्होंने कहा हम 13 तारीख में चुनाव जीत रहे हैं और 14 तारीख में हम लोगों ने लिस्ट बना ली है। लेकिन मैंने उन लोगों से यही कहा कि इंशाल्लाह बिलाड़ी की अवाम पीस पार्टी के साथ है, पीस पार्टी का चेयरमैन बिलाड़ी में बन रहा है और आप लोग लिस्ट बनाने का काम करते हो, हम मोहब्बत बरसाने का काम करते हैं। अगर आप हमारे नाम की लिस्ट बनाओगे तो हम आपका स्वागत फूल और मालाओं से करेंगे और हम इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीत के आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि हम लोगों का अहम मुद्दा आप लोग रहते हैं हमें जिताने के लिए। और मैं एक महन बात ये कहूँगा कि बिलाड़ी में प्रशासन ने जो शक्ति दिखाई है खास करके मुस्लिम बूथों पर, ये सरासर गलत है। एक ही बूथ पर शक्ति दिखाना अनिवार्य नहीं है। अगर आप शक्ति दिखाएं तो हर बूथ पर शक्ति दिखाएं। आप खुद जाकर देखिए, जायजा लीजिए। सिर्फ मुस्लिम बूथों पर इतनी शक्ति है कि महिलाओं को वापस किया जा रहा है, कभी इस बूथ पर भेजा जा रहा है, कभी उस बूथ पर बैठा जा रहा है और इतनी गर्मी में अगर महिला इधर उधर जाएगी तो बाहर के वोट नहीं डाल पाएगी। इन लोगों के मंसूबे हैं हमारे वोट रोकने के लिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से और सब लोगों से और ख़ास तौर से प्रशासन से कि हम लोग डरेंगे नहीं। आप रोक लो, जितना रोका जाए हम डटे रहेंगे। इंशाल्लाह एक एक वोट डलवा कर रहेंगे और चेयरमैन अपना बना कर रहेंगे। हमारे बीच में नेता जी जो कलीम नेता जी हैं युवा हैं, लेकिन की बात में जो समझदारी दिखी समाजवादी के प्रति, जो बात उठाई एक प्यार मोहब्बत जो राजनीति में होना चाहिए वो इन्होंने दिखाया। और ये कह रहे हैं कि हम अपना प्रत्याशी को वोटिंग करेंगे और उसको लोकतंत्र तरीके से बना के मानेंगे। और भाई हमारे बीच में और कौन? मैं मोहम्मद इकराम बिलाड़ी से गल्ला स्टोर से बात कर रहा हूँ। इस बार इंशाल्लाह हाजी इकबाल की आंधी आ गई है, आंधी के साथ तूफान भी आया, तूफान के साथ बारिश भी आई है और बारिश में पतंग साइकिल फूल कुछ नहीं चलता, सिर्फ हाजी इकबाल चलता है। ये 4301 में वोट हाजी इकबाल की जीत की ओर ले आ रहा है। इंशाल्लाह हाजी इकबाल जिंदाबाद। जावेद अंसारी। जावेद अंसारी जी, अंसारी समाज बहुत बड़ी संख्या में बिलाड़ी में है और हर बार वोट करता रहा किसी और के लिए, तो इस बार अपना बनाएगा क्या? बिल्कुल, इत्तेहाद हो चुका है अंसारी वर्ग में। पूरे अंसारी वर्ग के साथ साथ जितने भी प्लेटफॉर्म है, हमारे जितने भी भाई हैं, मलिक समाज हो, फारूकी समाज हो, सलमानी समाज हो और जितने भी समाज है, सारे लोग हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और बाकी लोग कुछ लोग हैं अभी जो पतंग कर रहे हैं, तो उनकी भी कल 13 तारीख में उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी पतंग समेत डंडिये पंडिये सब टूट गई है, पतंग बिल्कुल खत्म हो गई, चूरा हो गया और इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। पतंग के सिर्फ और सिर्फ अगर कोई निशान बचा है तो गिलास बचा है। आने वाली 13 तारीख पतंग वालों के चेहरे पर एक ऐसा जोरदार तमाचा होगी कि वो याद रखेंगे जिंदगी भर और कभी हमारे सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे। ये मैं आपको ऐलानिया तौर पर अभी बता रहा हूँ, आने वाली 13 तारीख हमारी है इंशाअल्लाह ताला। नाम छोटा अंसारी है। अभी किसी ने कहा था कि मतलब आंधी चल रही है। मैं आंधी वाली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ, जब आंधी चलती है तो आँखों में धूल भी आती है, ये बात तो सबको ही पता है। जब ये धूल हटेगी तो तभी लोगों को जान पाएंगे कि जीत किसकी है किसकी नहीं है, ये लोग जान पाएंगे। ये आंधी चल रही है, आंधी चलने दो, जब ये रुकेगी जब आँखें खुलेंगी तब जाकर लोगों, जब बारिश आ रही है मेरे भाई बारिश नहीं पड़ रही है आंधी आ रही है, जब ये आंधी रुकेगी तब ये लोग ये आगे खुलेंगी, तब जाके पता चलेगा जीत किसकी है किसकी नहीं है। देखिए मेरा नाम मोहम्मद जावेद है लेकिन सब लोग मुझे मुन्ना स्टार के नाम से जाते हैं जानते हैं। और देखिए
कुछ लोग कह रहे हैं कि गिलास है और ये है वो है। मैं कहना चाहूँगा कि पतंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अंसारी बिरादरी का भी वोट हमें मिल रहा है और सलमानी बिरादरी का भी वोट मिल रहा है। हमें हर धर्म, हर मजहब और हर बिरादरी का वोट हमें मिल रहा है और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखना हम बहुत हज़ार वोटों से जीत कर बिलारी में MIM पार्टी की सीट निकालेंगे और ओबीसी साहब को मजबूत करने का काम करेंगे। देखना, देखिए अभी सब देखिए, पीस पार्टी के ज्यादा लोगों में भैया भी आए हैं अपनी बात रखने के लिए। नहीं देखिए, मैं MIM पार्टी से हूँ और देखना चेक करने के जो देख सकते हैं अभी यहाँ पे पता चला ग्लास के कितने समर्थक हाथ उठाने जा रहा। अभी ये सब यहीं पे मौजूद हैं क्योंकि ये इनका घर है तो इसलिए दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ MIM पार्टी चल रही है, पतंग हवा में उड़ रही है, बहुत दूर दूर चलेगी पतंग ही चलेगी। पतंग से आ गए थे और यहाँ पे जो जोश है, जुनून है, यहाँ पे ग्रास का है। क्या नाम भैया जी? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं आपको बस ये बताने आया हूँ, जो अभी दूसरे इसमें शख्स आए थे जिन्होंने पतंग कहा था, वो दो दिन पहले तक हमारा चुनाव लड़ा रहे थे। वो गिलास के समर्थक, वो पीस पार्टी के समर्थक थे, दो दिन पहले गए वो यहाँ से। अब वो पतंग आ रहे हैं, ना जाने उनकी क्या सेटिंग हुई, वो जाने, लेकिन दो दिन पहले तक वो हमारा चुनाव लड़ा रहे थे। देखिए कुल मिला के यहाँ माहौल जो है वो गिलास का है। यहाँ पे जो कुल माहौल है ना सर, वो है बिकाऊ। हाँ, क्योंकि हमारे जो सीधे प्रत्याशी हाजी इकबाल साहब, ऐसा नहीं इन पे पैसे की कमी, इन पे ही बहुत पैसा है, पैसा हर प्रत्याशी पे होता है। भाई हमारे जो गरीब भाई है बेचारे, वो थोड़ा कमजोर है, उन्हें हम खुद लड़ाना है तन मन धन से। लेकिन ऐसा नहीं पैसा इन पे कम नहीं, यहाँ पे जो है ना, यहाँ के 100 में से 100% 1% ईमान वाले होंगे वो बचे हुए हैं, बाकी जितने 99% बिका हुए, इससे भी पकड़ना उससे भी पकड़ना है, कुछ समझ नहीं रहे। सही बात, तो इन्होंने अपने बेचारे का कि यहाँ पैसा भी चल रहा है, लेकिन यहाँ जो सही लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं। बिलारी से भाई स्विच के लिए तेजवंत सिंह राघव की रिपोर्ट।